आगे आगे नर्तकी अपना घरे जातिया आ कवि जी इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा घुघुराला बाल इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी मूछ ललका टीका लगा के बीच में यू आ किताब पुस्तक ले ले आ पीछे पीछे गोड़ दबोले इहो नर्तकी पहुंची अपने घर दरवाजा खोल करके लंबा मिरर के साथ मिरर मतलब कांच शीशा लंबा शीशा के सामने अपने आप के खड़ी होके और अपना संग मरमरी बदन अपने आंखों से देख करके खुश हो रही है। वाह वाह रे भगवान क्या सांचे में आपने मुझे ढाला है अतले भूत मत इन पीछे महाकवि हो आके खड़ा पाऊं सा शीशा में जब महाकवि कालिदास के पीछे देख रहा तो चिल्ला जलता अरे कवि जी आप कल की सरकार यहाँ कैसे कल एगो चीज हमारे दिखा कवि आदमी कहे के बाद लेकिन घुमा के कहत सोच नहीं कहो कल एगो चीज हमारे चोरी हो गई बा नर्तकी रोवे लगल कि तुहार चीज चोरी हो गई बा तो एक तरह से हमारा के रानिए जनी है हम राजा का नर्तकी है हमारा कोना चीज का कमी बा कि हम तुहार कोनो चीज चोरा ले सरकार। महाकवि कहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस धरती पर कोई नहीं चोरी किया है आउर रोवे लगल सरकार बताई कौन समान बा कल अरे पागल बताऊंगा तो तू जान जाएगी हाँ बताई तो कभी जी बता रहे मन हो कवि जी कहलक कि तुमने तो ऐसी चोरी की अरे तुमने तो ऐसी चोरी की दिल मेरा दीवाना लूट गया यही लूट गया तुमने तो ऐसी चोरी की चोरी की चोरी की दिल मेरा दीवाना लूट गया मैं प्यास बुझाने साफ कहूं कि मैं प्यास बुझाने आया हूं मेरा दिल दीवाना लूट गया सुनाते क्षेत्र में है मैं प्यास बुझाने आया हूं मेरा दिल दीवाना लूट गया। नर्तकी को समझते देर नहीं लगी कसकार का कहता नहीं जानता नहीं हम के हैं आपकी जान भी जा सकती है कहां कि मरिए गई बुझी कैसे कबीवर राजा की सेवा करने को भरिया सलक्ष हीरा बोली जलती है समाप्त तो जलने दो हाई जल लाइटिया जरतिया अजोर खातिर बा वही में हाथ डाले खातिर नहीं किया और मैं राज नर्तकी हूं कबीवर राजा की सेवा करने को हे कबीर झूठा पानी क्यों पीते हो झूठा पानी क्यों पीते हो क्या पुत्री खजाना लूट गया
हर अस्क लक्ष हीरा बोली जलती है समा तो जलने दो, झूठा पानी क्यों पीते हो, क्या बुद्धि खजाना लूट गया, दिमाग खराब बजाई घर। महाकवि कालिदास ने देखिए, महाकवि कालिदास ने कहा इतने विद्वान आदमी, हे नर्तकी अगर तुम मेरा मन नहीं रखती हो तो तुम्हारे दरवाजे पे ये जो बरगद का पेड़ है, वृक्ष है, इसी में फांसी लगा लूंगा। तुम जब अपना कला पेश कर रही थी, नाम तो तुम्हारा अलग से हीरा है, लेकिन देख करके मैं तुम्हें सुरसतिया कह रहा था, क्या तुम लग रही थी? मेरी इच्छा है पूरी कर दी। नर्तकी जान गई कि अघोरले पाड़े मनी हो। अच्छा ठीक बा कवि जी, ठीक बा मंजूर बा, अब लग रहा महाकवि जी नाचे, हाँ मंजूर बा, हाँ मंजूर बा, लेकिन एगो शर्त। अरे महाराज आज हम गौले बानी, लछली बानी, थकाइल बानी, जा जा जा, जा। काल ही आई बत बत बत, काल है आई रहुआ, अरे आपका मन आपका इच्छा हम पूरा कर देते। महाकवि कालिदास चल रहे हैं, लेकिन कवि जी लिखत है कि परवाना परवाना कोई पागल हो गया, परवाना कोई पागल हो गया, लागल इश्क कलेजे मचल गया दीवाना, परवाना कोई पागल हो गया। बहुत अच्छे अच्छे लागल इश्क कलेजे मचल गया दीवाना, परवाना कोई पागल हो गया। ठीक भाई बेरा गौले बानी, नचले बानी, थकाइल बानी, देखा जान कैसे बचावतिया जाई। सवेरे रउआ आई, आपका मन यही बात है, आपकी इच्छा पूरा कर दी। भैया तन शांति से बैठे दो मिनट। महाकवि कालिदास को विदा कर देती है कल का बहाना करके, अपने का कैलस कि जौन ड्रेस में रहे वही ड्रेस में अब का करतिया। सुन कबीवर की बात नर्तकी, सुन कबीवर की बात नर्तकी, गई भोरे दरबार, अरे कालिदास की बात रात की, कहने लगी तिखार हमारा पीछे, अरे हमारा पीछे भवरा भैले तैया। मेहरारू करू राजा के सामने, अब सुतलो नहीं खान, जाके राजा के सामने खड़े हो के दरवाजा खुलवाओ, राजा दर अंदर बाहर आए, अरे नर्तकी तुम्हारी छुट्टी हो गई थी, तुम अपने घर विश्राम के लिए चली गई थी, फिर तुम्हारा आगमन हुआ, भोय भोय रोवे लागो, सरकार हमारा पीछे भंवरा भैले तैयार। निकाल के राजा तलवार चमकावे लगा कि कौन हो, घोड़े के जान ले ली, हमारी पर्सनल नर्तकी के पास किसी के ताकने की हिम्मत कैसे हुई, कौन है नाम बताओ साले का। नर्तकी कहलस कि महाकवि बाना जन तोहरी बगल में बैठल, तोरा आसन से तनकी से नीचे उनका आसन, महाकवि निकालल तलवार राजा धर दिया अंदर, कल सुन भी
अरे तोरा में तीन 1 लाख नर्तकी मिल जाए सरे दादा, इतना विद्वान आदमी कहा पाई भाई। जो जो फरुआ से छील के रसगुल्ला खिया दे, बड़ा